वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग पुराना प्रोजेक्ट में आ गया है, जो प्रोजेक्ट में हम लोग गाना बजा रहा है बजा रहा था, मतलब वो थोड़ा थोड़ा करके चल रहा है। तो ये तो हम लोग क्या किया है, ऊपर का जो तीनों ट्रैक था, तीनों ट्रैक को हम लोग उसका एक ट्रैक को हम लोग एक्सपोर्ट किया है। मतलब ये कॉन्टैक्ट का फाइल है, कॉन्टैक्ट से बजाया है लीड 01 बोल के, और ये लास्ट का जो फाइल है ये भी लीड 01 है। इसको हम मतलब दो किया है, जो लीड है हम दो रखा है, क्योंकि मान लीजिए ये सॉन्ग हुआ, हम लोग क्या करते हैं, जो गाना गाते हैं तो उसका हिसाब से हम लोग दूसरा जितना ट्रैक है उसका हिसाब करते हैं। मतलब उसका ज़्यादा कम कितना हो सकता है, उसका हिसाब से कितना परसेंटेज कम हो सकता है, ये सब हम लोग करते हैं। तो दो चीज़ है आप लोगों को अच्छा मिक्सिंग करने के लिए, दो चीज़ आप लोगों को ध्यान, दो तीन चीज़ है ध्यान में रखना पड़ेगा। तो नोटपैड में हम लोग लिख रहे हैं, एक नंबर चीज़ जो होता है वो है EQ। मतलब EQ बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और EQ ये वेरिएबल है, ये डायनामिक है, डायनामिक है। इसका मतलब क्या है, जो मान लीजिए एक सिंगर गाया है, सिंगर ए गाया है, तो इसका जो EQ होगा बी का टाइम में वो EQ नहीं होगा, मतलब वो दूसरा EQ हो सकता है, क्योंकि हर अलग अलग सिंगर का अलग अलग टाइप का वोकल का रेंज है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी का रेंज अलग अलग होता है। तो मान लीजिए हम एक दिखा दिया आपको कि ऐसा ऐसा EQ होना चाहिए, आप लोग हमारा वीडियो देख के ऐसा ऐसा कर दिया, तो वो अच्छा नहीं भी हो सकता है, तो ये देखना पड़ता है। तो उसका कौन सा टाइप का EQ चाहिए, मतलब आप लोग उसका वोकल को लेके क्या करना चाहते हो, ये पहले जानना होगा। शार्प करना चाहते हो ना, मीट करना चाहते हो ना, थोड़ा लो करना चाहते हो, तो ये पहले जानना पड़ेगा। तो हम लोग अगर फीमेल, एक्चुअली लेडीज़ वोकल, जेंट्स वोकल एक अलग अलग होते हैं, ऑल्टो वॉइस होता है, सुप्रानो वॉइस होता है, तो वॉइस अलग अलग होता है, तो उसका रेंज भी अलग अलग होता है। तो जो जो करना हम लोगों को चाहिए इसके लिए क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है तो ये है अच्छा सा मोनिटर, जो मैक्सिमम लोगों के पास है नहीं। मोनिटर मतलब दो स्पीकर हम पेंट में दिखाते हैं। मोनिटर दो टाइप का होता है, जिसमें हम लोग दिखता है एक मोनिटर है, और जिसमें बजते हैं, जो स्पीकर में बजते हैं, ये भी मोनिटर इसको बोलते हैं। तो ये मोनिटर आप लोगों को अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज, अगर मान लीजिए आप लोग बेस गिटार का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो बेस गिटार फ्रीक्वेंसी रेंज 40 हर्ट्ज, मतलब ये अगर ये स्पीकर में नहीं आएगा तो स्पीकर में रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या होता है, आपको ऐसा टाइप का कुछ स्पीकर लेना पड़ेगा जिसमें 40 हर्ट्ज सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट नहीं अगर करेगा तो होता है क्या, जितना लो हार्ट सपोर्टिंग स्पीकर है उतना कॉस्टली है। तो दो तीन कंपनी है, तो उसका मतलब वर्ल्ड का टॉप कंपनी है, एक है जेनेलक LEC, हो सकता है स्पेलिंग कुछ भूल होता है, मतलब आप लोग सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। एक है एडम प्रोफेशनल, और एक है डायना ऑडियो। ये तीनों हमारा हिसाब से, मतलब हम ये नहीं बोल रहा है यही सबसे बेस्ट है, वो नहीं है, हम जो देखा है इसमें हमको ये तीनों अच्छा लग रहा है, मतलब ये अच्छा लगा है जो हम मिक्सिंग किया है। इसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बहुत अच्छा होता है, और आप लोग अगर इसमें सुनिएगा तो आपका अब जो काम कर रहा है बहुत सारा है। आप लोग मिक्सिंग में मिक्स मान लीजिए थोड़ा कुछ इधर बढ़ाया है, इसको मान लीजिए ये जो है इसको थोड़ा सा चेंज किया है, इसका पता ही नहीं चल रहा है स्पीकर में, मतलब हम लोग इतना इतना तक कर देते हैं तो तब पता लगता है। तो ऐसा बात नहीं है, थोड़ा सा बढ़ाने से भी पता लग जाएगा आप लोगों को, थोड़ा सा, इतना सा थोड़ा बढ़ाइएगा बस, इसमें पता लग जाएगा कौन सा फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, अब लोगों को मालूम पड़ जाएगा। तो ये होना चाहिए, बेसिकली अच्छा क्वालिटी का स्पीकर होना चाहिए। तो हो गया,
अच्छा EQ करना चाहिए, मतलब EQ आप लोग क्या करना चाहते हैं, हम जैसे कि हम इसको शार्प करना चाहते हैं, मान लीजिए ये जो लग जगह है हम लीड बजा है इसको थोड़ा शार्प करना चाहते हैं, तो शार्प कितना से होता है, 2K का ऊपर हम लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है। 2K का को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो अगर शार्प करना नहीं चाहते हैं तो इसको नहीं लगेगा, तो एक 2K किया है और इसको थोड़ा सा मिड रेंज बढ़ा दिया है, तो दो दोनों सेम ही है मगर दोनों का इक्वलाइजर अलग है, EQ अलग है, EQ अलग है। तो इसमें हम लोग रिवर्ब डालना चाहते हैं नहीं तो कंप्रेसर डालना चाहते हैं, कोई भी हो सकता है। कंप्रेसर क्या करता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में बोलेंगे, क्योंकि कंप्रेसर का बहुत बड़ा काम है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लगा देते हैं, अच्छा अच्छा आते हैं, इससे थोड़ा बूस्टिंग आता है तो हम लोग लगा देते हैं, मगर ऐसा बात नहीं है। मान लीजिए आपका जो काम एक अच्छा काम हो रहा है और दूसरा काम वही सेम चीज़ लगाने से अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं बन रहा है, बूस्टिंग नहीं हो रहा है, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, तो क्यों नहीं हो रहा है, हम तो लगा रहा है, मगर ऐसा बात कुछ नहीं है। तो ऐसा बात बात क्या है, आपको पूरा सोच समझ कर लगाना पड़ेगा। अगर जिसमें कंप्रेसर लगाने का ज़रूरत नहीं है लगाएगा नहीं, तो ये बात है। तो देखिए हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे, तो ये लीड है, लीड पहले सुन लेते हैं थोड़ा सा। तो दो ट्रैक में लीड लिया है, थोड़ा सा एक इफेक्ट्स चैनल में हम लोग एक काम करते हैं, एक डीले ले लेते हैं, स्टूडियो डीले ले लेते हैं। डीले बहुत सारा है, हम इसमें इंस्टॉल किए नहीं है, बहुत सारा डीलेज है, तो इसको स्वीट फोकल डीले कर देते हैं, इसको 1/80 करते हैं, 1/16 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 80 करते हैं, तो इसको मतलब एक टेम्पो का माफिक चलेगा, ये करते हैं। और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा नहीं फुल कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इसको चैनल से देंगे, तो इसीलिए इसमें सेंड में देना है डीले, थोड़ा सा बढ़ा देना है, और प्रीफेडर पोस्टपेडर तो पहले ही हम बोला है, और भी कुछ बोलना होगा तो ठीक है। इसको डिले थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अभी सुनकर देखते हैं कैसा लग रहा है। तो इसको सोलो बनाते हैं, उसको भी सोलो बना दिया, हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, ठीक है, हम लोग ऐसे ही चल रहा है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद और एक ले लेते हैं, इसको सिलेक्ट करके कीजिए, सिलेक्ट करके इफेक्ट स्ट्रक कीजिए, उसके बाद रिवर्टेबल दे दीजिए, जिसके पास रिवर्टेबल नहीं है कोई भी रिवर्ब डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब रिवर्ब एक होना चाहिए, तो ये रिवर्ब दिया है, रिवर्ब इसमें कुछ कम ज़्यादा करना नहीं चाहिए, तो इसको इसमें डालना पड़ेगा, मतलब सेंड में डालना पड़ेगा, रिवर्टेबल डाल दिया है, तो ये हो गया है। तो इसके बाद हाँ, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इसको बढ़ाया है, इधर हाई फ्रिक्वेंसी किया है, और ये रिवर्टेबल भी दिया है, ये दोनों को एक साथ मिला के सुनते हैं, इसको भी मिला के एक साथ सुनते हैं, इसके सब पैड्स को लगा, पैड्स का मतलब थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। कंप्रेशन दिया है ड्राम में, ड्राम को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, ड्राम ठीक करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग ड्राम को थोड़ा ये करेंगे, ड्राम को थोड़ा मतलब टाइट करेंगे, क्योंकि है ड्राम जो बज रहा है इसमें इसका थोड़ा इक्यू को चेंज करना पड़ेगा, ईक्यू को थोड़ा चेंज करके इसको थोड़ा, पहले कंप्रेशन नहीं डालेंगे हम लोग, पहले ईक्यू डालेंगे। तो मान लीजिए हम फैब फिल्टर का ईक्यू डालते हैं, तो इसमें ड्राम का एक सेटिंग होता है, तो ड्राम का लो बूस्ट कर सकते हैं, नहीं तो ड्राम का अलग से एक सेटिंग होता है,
तो ये लगा के एक बार हम लोग देख सकते हैं क्या बज रहा है। तो हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जो टाइप का गाना हम चूज़ किए हैं इसमें हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पुराना गाना है तो इसको थोड़ा देखते हैं इसको। और एक बात है, जो गाना पुराना गाना है, मान लीजिए ये लग जगह ले गाना पुराना है, बहुत ही पुराना है, तो इसका बेसिकली क्या है, ड्रम उस टाइम में ड्रम उतना प्रेफरेंस था नहीं, इस गाना में था नहीं। तो गाना का नेचर के हिसाब से आप लोगों को ये जो बेस का जो पार्ट है ना, मतलब बेस ड्रम जब बज रहा है तो उसको बेस गिटार का साथ मैचिंग करना पड़ेगा, जो किक बज रहा है किक को बेस गिटार का साथ मैचिंग करना पड़ेगा। तो देखिए हम इसको ड्रम डिफॉल्ट सेटिंग अच्छा क्लीन करते हैं, क्लीन करके देखते हैं, थोड़ा सा ड्रम कम हो गया, कम लग रहा है थोड़ा ड्रम का, पैड्स को भी दे देते हैं, हाँ ठीक है चलेगा। तो अभी अभी क्या है, अभी इसको ये जो लीड है स्ट्रिंग्स जो पार्ट है इसको थोड़ा शार्प करना पड़ेगा, स्ट्रिंग्स के हिसाब से शार्प करना पड़ेगा इसको, थोड़ा हम लोग शार्प करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग्स थोड़ा शार्प में बजता है। स्ट्रिंग चार टाइप का होता है, एक वायलिन होता है, एक वायोला होता है, एक बास डबल बास सॉरी एक चेलो होता है, एक डबल बास होता है, इसका रेंज भी अलग अलग है। तो देखिए अगर पूरा कीबोर्ड 88 की ऐसा टाइप का होता है, मान लीजिए 88 की है, तो इसको फर्स्ट पार्ट जो होता है वायलिन होता है, तो इस टाइप का वायलिन का रेंज है, मतलब इतना दूर तक ही चलता है वायलिन। उसके बाद जो है वायोला, तो वायोला क्या है, वायलिन से थोड़ा सा बड़ा है वायोला, तो वो इतना दूर तक चलता है। उसके बाद चेलो आता है, तो ये इतना रेंज तक चलता है, और इसके बाद डबल बास आता है, डीबी लिखते रहे हम डबल बस। तो ये है चार टाइप का वायलिन है, मतलब इसका रेंज जो वायलिन का रेंज होता है ये हाई पिच में होता है, उससे थोड़ा सा कम होता है वायला का, उससे भी थोड़ा लो पिच में होता है चेलो, और एकदम लो पिच में होता है डबल बस। तो ये बास गिटार का काम करता है, जो पुराना दिन में इस टाइप का ही था, तो इसको सिम्फोनी बोलते हैं, पूरा एक साथ मिला के एक सिम्फोनी होता है। तो अगर ये वायलिन का माफिक हम लोग ट्रीट करेंगे तो इसको थोड़ा शार्प करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको शार्प करके ऐसे टाइप का करके एक और थोड़ा सा रिवर्ब डाल दीजिए, फिर से हम लोग चलाते हैं। क्या ये इसको भी थोड़ा शार्प करना पड़ेगा, क्योंकि मैंडोलिन है तो इसको शार्प करना पड़ेगा, और थोड़ा सा इक्यू हम लोग डालेंगे नहीं, और इसको थोड़ा सा डिले देना पड़ेगा। तो डिले देके हम लोग बजाते हैं, सिंगल इसको बजाते हैं, हम लोग देखा है शायद बैंजो डिले में बजता है, तो बढ़ाना पड़ेगा।
से एक बार सुनते हैं। देखिए बास गिटार हम लोग पूरा किया नहीं है अभी तक, बास गिटार को पूरा करना पड़ेगा, इसका गिटार का पूरा करना पड़ेगा, इसको हम लोग रेंडर भी किए नहीं है क्योंकि अभी बाकी है, इसको बजना में बाकी है, तो वो दिखाएंगे दिखाएंगे। तो ये बेसिक जो होता है, बेसिक हम इसको किए हैं, तो आप लोगों को भी ऐसा टाइप का करना पड़ेगा। तो देखिए पूरा सुनकर देखिए कैसा लग रहा है मेलोडी। क्या करना पड़ेगा उसके बाद हम लोगों को इधर से मास्टरिंग इफेक्ट कुछ डालना पड़ेगा। जिसका पास मास्टरिंग इफेक्ट है नहीं है उसको उसको मेनली डालना पड़ेगा मल्टीबैंड कंप्रेसर डालना पड़ेगा पहले। उसके बाद जिस लोगों के पास मास्टरिंग इफेक्ट है नहीं है है नहीं तो उसको थोड़ा लिमिटर मैक्सिमम से डालना पड़ेगा, और UV22HR डालना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा बूस्टिंग ज़्यादा होता है, तो इसमें देखिए इसमें फट जाएगा साउंड इसमें, क्योंकि अभी ये पूरा लास्ट पोजीशन में है, जो साउंड फटने का चांस है तो इस जगह में चला गया है, तो इसको साउंड फट जाएगा 100%। अभी तक पता नहीं है साउंड मतलब पीछे में ये सब काम कर रहे हैं, ये कंप्रेस कर दे रहे हैं। जब हम आप लोगों को रेंडर करना है तो इसको 2 dB कर देना है, 2 dB करके इसको रेंडर कर दीजिए। देखिए इसमें ही हम रेंडर कर रहे हैं, छोटा सा जगह रेंडर कर रहे हैं, बड़ा जगह नहीं है। जो जगह हम लोग अभी 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 मिक्सिंग किए हैं तो वो जगह हम लोग रेंडर कर देंगे। तो इसको एक्सपोर्ट में जाके इधर ही हम लोग इसको रेंडर कर देंगे, MP3 में कर देंगे। रियल टाइम करने का ज़रूरत नहीं, ऑडियो ट्रैक में इनेबल कर देते हैं, तो इसका वेव देखेंगे कैसे टाइप का आते हैं वेव। अच्छा इसको कैंसिल करते हैं, इसको फाइनल वन करते हैं, तो इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो देखिए जो आ रहा है उसका डेप्थ कितना आ रहा है पहले ये देखना पड़ेगा। अगर डेप्थ कम आएगा तो हम लोग 2 dB का जगह पर 4 dB कर सकते हैं एक्सपोर्ट का जगह में। तो इसको आ गया है, तो देखिए ये अभी फटा नहीं है, मतलब ये चलेगा। जब एक्सपोर्ट होता है ना उस टाइम में थोड़ा साउंड घट जाता है, मतलब गेन घट जाता है। तो इसको अब अगर सोलो करके आप लोग चलाएगा तो देखिए आप लोगों को अच्छा लगेगा।
फट जा रहा है, मतलब एकोडियन का साउंड थोड़ा ज़्यादा है तो उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, बाकी जितना सारा साउंड है वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देख के आप लोगों को करना पड़ेगा, मतलब ये फट जा रहा है इसको डिलीट कर देना है, रिमूव कर देना है। करके क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 dB किया है, इसमें 1 dB करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 dB करके रेंडर करना है। तो वो करके देखना है जो किससे फट रहा है साउंड, पहले ये देखना है। तो और भी एडवांस में हम लोग जाएंगे, तो आज के लिए इतना ही है। ये थोड़ा आप लोग देख लीजिए, देख के अपना अपना जो काम है वो काम करिए। और मिक्सिंग के लिए अगर कोई हमसे देना चाहते हैं तो डायरेक्टली हमको SMS कीजिए, उसका मिक्सिंग हम बना देंगे, मिक्सिंग कर देंगे, अच्छा से मिक्सिंग कर देंगे। और एक बात है, हम सपोर्ट के लिए एक ये बना रहा है, मतलब हर टाइम आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, आइदर SMS से नहीं तो फ़ोन से। तो वो सपोर्ट के लिए थोड़ा एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो वो जल्दी हम बोल देंगे आप लोगों को कितना रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। तो जिस टाइम में आप लोग SMS करेंगे तो उस टाइम में हम आपको सपोर्ट कर देंगे, बोल देंगे जो हाँ ठीक है ऐसा करने से ठीक हो जाएगा। तो इस टाइप का सपोर्ट हम देंगे आप लोगों को, कौन सा जगह पर प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सा जगह ये कर रहा है, मतलब किस से प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके लिए हम पूरा डिटेल में बोलेंगे। तो हो सकता है दिन में हम SMS में बोलेंगे और रात में अगर हो हम फ़ोन में बात करके बोल देंगे। और जो आदमी लोग मिक्सिंग करना चाहते हैं, ओनली मिक्सिंग करना चाहते हैं, तो उसका पूरा प्रोजेक्ट हमको भेजना पड़ेगा। और एक बात है, प्रोजेक्ट कैसे आप लोग भेजेंगे वो भी हम एक बार तरीका छोटा सा कल हम दिखा देंगे कैसे भेजना पड़ेगा प्रोजेक्ट को, तो वो थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। तो उसके बाद जब बातें होगा तो उस टाइम में हम बोल देंगे उसका चार्जेस क्या पड़ेगा, सब कुछ बोल देंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं और अच्छा तरीके से हमको मतलब कमेंट भी कर रहे हैं। तो जितना हो सके कमेंट कीजिए और हमारा ट्यूटोरियल देखते रहिए, जितना हो सके शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।